के तीसरे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लैंडस्लाइड के बाद वहां जबरदस्त तबाही और कैजुअल्टी देखी गई है, जहां मलबे से लोगों को निकालने का काम इस वक्त भी चल रहा है। 256 लोगों की मौत, देखिए मृतकों का आंकड़ा जो है वो अब 256 हो चुका है। ये आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ और डराने वाला आंकड़ा आएगा। और ये देखिए, इसकी आशंका जताई जा रही थी, जिस तरह से लैंडस्लाइड हुआ, एक के बाद एक कई बार लैंडस्लाइड होते हैं, लोग यहां मलबे में दब जाते हैं और ये कहा जा रहा है अभी भी सैकड़ों की संख्या में लोग वहां पर दबे हो सकते हैं। अब तक 256 लोगों की जान चली गई है। अभी फिलहाल लगातार लोगों को मलबे से निकालने का काम जो है वो भी जारी है। डॉग स्क्वाड की मदद लगातार वहां पर ली जा रही है। जो लैंडस्लाइड हुआ है उसमें स्निफर डॉग्स का खास तौर पर इस्तेमाल अब किया जा रहा है। माया और मर्फी जो कि बहुत फेमस डॉग्स है, इंसानों को मलबे के अंदर से भी सूंघ कर निकालने कई फुट तक, और हमारे साथ उनके ही ट्रेनर यहाँ पर जुड़ रहे हैं। सर ये बताइए, माया और मर्फी दोनों जो है इस रेस्क्यू में जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बताइए कि कैसे जो है ये बॉडीज को सूंघ सकते, कैसे आप निकालने मदद होगा? नहीं, एक्चुअली दे हैव गॉट द ट्रेनिंग, हम लोगों को ट्रेनिंग मिला है कि कड़ाव को स्मेल करने के लिए, ह्यूमंस का बॉडी को स्मेल करने के लिए, डेड बॉडीज ओनली दे विल सर्च फॉर डेड बॉडीज, सो लाइक दैट ट्रेनिंग वी आर गिवन। So that's why we are, yesterday itself we are given 4-5 spots for them. So from there we got 2 bodies. Okay. So one child body, when we were there at that time itself we got. Then news channel has told that one another body has also came in the, got in the evening. So that type of result already we have got yesterday itself. कितने फीट तक अंदर जो है ये डेड बॉडीज को सूंघ सकते हैं? लाइव के लिए ये लोग 10 फीट तक गया है, वो मुनार में हम लोगों को मिला था 10 फीट के नीचे से ही मिला था। तो अभी ये सोच सकते हैं कि इसकी मदद से बहुत सारी डेड बॉडीज के मिलने के चांसेस है? या मिलने के चांसेस है, इसलिए तो हम लोग यहाँ पे है। गवर्नमेंट हैज आल्सो गिवन अस चांस टू रेस्क्यू दिस पीपल। राइट, थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम प्रभात है। ओके, तो ये देख सकते हैं ये जो डॉग है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये माया है। माया और मर्फी कई रेस्क्यू वर्क में जो है अपनी हिस्सेदारी जो है वो निभाई है। मर्फी की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये देखिए यहाँ पे मर्फी भी है, ये माया और ये मफी, ये मफी है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे। ये दो डॉग्स जो है वो जब भी कोई आपदा आती है, जब भी कोई आपदा आती है तो मलबे के अंदर से डेड बॉडीज को सूंघ कर ये रेस्क्यू टीम्स को मदद करती है और उस जगह से फिर तुरंत डेड बॉडीज को निकालने में जो है मदद मिलती है। ये दोनों बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं हर रेस्क्यू वर्क की अगर बात कर, चाहे वो फ्लड्स हो, मर्डर केसेस हो या फिर इस तरह के लैंडस्लाइड हो। और यही कारण है कि इस रेस्क्यू वर्क में भी माया और मफी का इस्तेमाल किया जा रहा है।